इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जौनपुर मड़ियाहू शिवाजी नगर में कांवड़ियों के लिए शिविर लगाकर विशेष सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आपको बताते चले कि श्रावण मास के पवित्र महीने में शनिवार को प्राचीन कांवड़िया संघ सेवा दल अध्यक्ष श्याम बाबू सेठ के नेतृत्व में मड़ियाहू विधानसभा 370 लगभग हजारों कांवड़ियों का जत्था माँ विंध्य वासिनी धाम का दर्शन कर गंगा जल लेकर पैदल पहुँचे मड़ियाहू नगर में पहुँच रहे हैं। वहीं प्राचीन कांवड़िया संघ सेवा दल द्वारा कांवड़ियों को भंडारे का प्रसाद दिया जा रहा है तथा सेवा दल द्वारा डॉक्टर आलोक सिंह द्वारा कांवड़ियों को मरहम पट्टी व दवा दी जा रही है। निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह मड को व समाज सेवी विनय सिंह द्वारा कांवड़िया संघ को चाय नाश्ता बिस्कुट इत्यादि दिया जा रहा है तथा कांवड़ियों को विश्राम के लिए सुविधा मुहैया कराई गयी। पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारे का प्रसाद वितरित किया जा रहा है तथा कांवड़ियों विश्राम के लिए टेंट लगवाए गए। पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी कांवड़ियों के लिए मरहम पट्टी तथा दवा की व्यवस्था की गई। सेवा दल द्वारा मड़ियाओं में जगह जगह सुविधा प्रदान की जा रही है। सोमवार को सुबह नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचकर कांवड़ियों और संघ द्वारा गंगा जल अर्पित किया जाएगा तथा सुबह 8 बजे वहीं पर सभी डीजे कॉम्पिटिशन रखा गया है जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। कमेटी की तरफ से कमेटी के लोग इस प्रकार नाम राजेश ड्रेसेस, अग्रहरी विवेक जायसवाल, संतोष निगम, माता प्रसाद ब्रजेश दुबे, सुरेश मौर्य, बच्चा जी सोनू, राजकुमार मौर्य, संजय राय, अरुण पटेल, नितेश सेठ, अमित केसरी, सुमित सेठ, शुभम सेठ, कमलजीत सिंह, आशीष लल्ली, दीपक मौर्य, राम आश्रय पटेल, इम्तियाज हाशमी, बंटू सिंह, धीरज जायसवाल, डब्बू विश्वकर्मा, नीलू सिंह, राजकुमार यादव, कमलेश चौरसिया। इंडियन टीवी न्यूज पर जौनपुर मड़ियाहू से शादा अंसारी की रिपोर्ट। का 10 तारीख को सुबह भी लोकार्पण का
कल तक मेला चलता है। मरियाओं के प्राचीन वासियों को जो कहाँ पर गए थे उन पर उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे यह कहूँगा, वो जहाँ भी हैं रास्ते में जैसे भी हैं एक दूसरे का ख्याल करते हुए सभी कांवड़ियों को और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान देते हुए साथ में यात्रा करें और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाइडलाइन क्या है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कांवड़ियों को विशेष व्यवस्था हर प्रकार की सुविधा उन्होंने दिया है, इसके लिए प्राचीन कांवड़िया संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सालों से चली आ रही है संस्था? लगभग 36 साल के लगते हैं और 24 साल लगभग हमको अध्यक्ष करते हैं। इसके पहले 2 साल 3 साल हमारे अध्यक्ष दिनेश कुमार बिजली जी थे, इसके पहले राजेश चौरसिया जी थे, फिर अशोक सावंत जी मड़गव परमार। कितना ये भव्य कार्यक्रम होता है भक्तों को लेकर? शिव भक्तों की सेवा ही हमारा मुख्य ध्येय है, बस अपनी सोच ये है हमारे शिव भक्त जब भी जल यात्रा करें या प्रभु की सेवा में कहीं भी वो उपस्थित हो उनके पैरों में कांटा भी ना गड़ने पाए, मिट्टी की बात बड़ी सी ये सुविधा है और उनकी हम कितने अच्छे से अच्छी खातिर बात कर सकते हैं, यही हमारा परम ध्येय है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।